हेलो दोस्तों, मैं संतोष कुमार मौर्य और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल मौर्य जी अलाइड हेल्थ साइंस। दोस्तों, आज का वीडियो जो है वो ईसीजी कैसे करते हैं इस पर आधारित है। यदि आप ईसीजी के बारे में एबीसीडी कुछ भी नहीं जानते हैं, यदि आप इस वीडियो को देखेंगे लास्ट तक, तो आप अच्छे तरीके से जान जाएंगे कि ईसीजी कैसे किया जाता है। और इसमें हम आपको बताएंगे कि यदि दिल दाहिने तरफ है तो उसके ईसीजी कैसे करेंगे, यदि दिल बाएं तरफ है तो उसका ईसीजी कैसे करेंगे, यदि किसी पेशेंट का हाथ या पैर नहीं है तो उसका ईसीजी कैसे करेंगे, और यदि किसी पेशेंट को पेसमेकर लगा है तो उसकी जांच के लिए ईसीजी कैसे करेंगे, तो इन सब पर आधारित है। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, हम बात करते हैं कि ईसीजी मशीन के बारे में। तो ये ईसीजी मशीन सिंगल चैनल ईसीजी मशीन है, और इसमें देखिए एक स्विच दिया है ऑन और ऑफ़ का, और यहाँ पर देखिए स्टार्ट और स्टॉप का। तो इस स्विच से ऑफ भी होगा और इस स्विच से ऑन भी होगा, और इससे जब हम ईसीजी ग्राफ लेंगे तो स्टार्ट करेंगे, इसी से स्टार्ट भी होगा, इसी से स्टॉप भी होगा। और यहाँ पर स्पीड होता है, जो पेपर का स्पीड होता है, इस पर मैंने ईसीजी बना रखा है, आप उसमें देखेंगे कितना स्पीड होता है। तो ये देखिए, इसमें 25 दिया है और 50 दिया है, आप जो सिलेक्ट करेंगे उस पर आपको सिलेक्ट करना है। देखिए ये चेंज होता है, और इसमें आप देखिए यहाँ पर आपको 5, 10, 20 है। तो ये किस लिए दिया गया है, इसके पर भी ईसीजी बना हुआ है, आप लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से इसके बारे में देख सकते हैं। 5 कब सेलेक्ट करते हैं, 10 कब सेलेक्ट करते हैं, और 20 कब सेलेक्ट करते हैं। और ये जो फिल्टर है, जो आर्टिफैक्ट वगैरह जो आता है, मतलब कि ग्राफ को क्लियर दिखने के लिए ये फिल्टर को ऑन किया जाता है। इसको ऑफ भी कर सकते हैं और ऑन भी कर सकते हैं, लेकिन इसको हमेशा ऑन रखना होता है। लगभग सब मशीनें एक ही जैसे होती है, फंक्शन एक ही होता है, बस सिंगल चैनल, 6 चैनल और 12 चैनल मशीन होता है। तो ये मेरा सिंगल चैनल मशीन है। हम जब इसको ईसीजी स्टार्ट करते हैं, तो अभी देखिए अब लीड वन पर ब्लिंक कर रहा है लाइट। अब इस पर हम जब लीड वन कंप्लीट हो जाएगा, तब हम लीड टू पर जाएंगे, फिर लीड थ्री पर जाएंगे, एबीआर पर जाएंगे, एबीएल पर जाएंगे, फिर एबीएफ पर जाएंगे, और फिर उसके बाद से वी वन में। चूँकि सिंगल चैनल मशीन है, इसलिए इसमें एक ही लीड लगा रहता है। तो हम जब वी वन जब कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद से फिर हम लीड चेंज करके वी टू पर जाएंगे, फिर वी थ्री पर जाएंगे, वी फोर, वी फाइव, वी सिक्स, इस तरह से करेंगे। तो ये हमारा सिंगल चैनल मशीन के बारे में मैंने आपको बताया। देखिए दोस्तों, ये है जो 6 चैनल मशीन है बीपीएल का, और इसमें क्या है, देखिए स्विच दिया है, इसमें आप इससे मशीन को ऑन कर लेते हैं, और इससे ये मशीन ऑन हो जाता है। और उसके बाद से ये देखिए, इसमें कॉपी करने का भी ऑप्शन दिया हुआ है। और जब मशीन जब ऑन हो जाएगा, तो इसमें हम आपको क्या करेंगे कि इसी से हमारा ये जो बटन है, इसी से ग्राफ जाता है। और जो स्टैंडर्डाइजेशन, जैसे उसमें देखे थे 5, 10 और 20 का, वो इसका स्टैंडर्डाइजेशन है, और उसमें चेंज कर कैसे करना होता है। और यहाँ पर आप नाम लिखना चाहते हैं, तो इसमें आपको ऑप्शन दिया है नाम लिखने का, यहाँ से आप फॉर्मेट वगैरह चेंज कर सकते हैं कि कैसे फॉर्मेट चेंज करना है। तो ये है दोस्तों 6 चैनल मशीन का। और इसमें क्या है कि आपको जो लीड रहता है, वो टोटल चेस्ट लीड जो रहता है 6 रहता है, और एक ही साथ रिकॉर्ड होकर के निकलता है। तो ये हो गया, आपको मैं दिखाना चाहता हूँ, ये देखिए ये जैसे चेस्ट का है, तो चेस्ट का ये देखिए 6 एक साथ में है, आप जैसे ग्राफ में देख रहे हैं, ये 6 एक साथ लीड रहता है, और सिंगल चैनल में सिंगल रहता है। दोस्तों, ये तो हो गया आपका 6 चैनल मशीन के बारे में। दोस्तों, ये जो है वो 12 चैनल मशीन है, और इसमें क्या है कि आप दोनों मोड से निकाल सकते हैं, एक तो मैनुअल और एक ऑटोमेटिक। इससे देखिए ये स्विच जो है, इससे मशीन ऑन हो जाता है। ये मशीन देखिए मैंने ऑन कर दिया, और इसके बाद से इसमें आपको नाम लिखने के लिए कीपैड वगैरह भी दिया है, इसके फंक्शन चेंज करने के लिए भी आपको दिया है यहाँ पर, जैसे F1, F2, ये सब फंक्शन चेंज करने के लिए, F5, F6, F7 तक है, ये फंक्शन चेंज करने के लिए है। ये मैनुअल और ऑटोमेटिक दोनों तरीके से आप इसमें ले सकते हैं। और ये जो मशीन है 12 चैनल है, अब इसमें हम क्या करते हैं, जैसे वो स्टैंडर्डाइजेशन लेने के लिए ये मोड है, यदि यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ, ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर आपको 25 लिखा है, यहाँ पर 10 लिखा है, सिलेक्ट किया गया है। आप इसको F4 दबा करके आप इसको भी चेंज कर सकते हैं, 10 से 20 कर सकते हैं, 5 भी कर सकते हैं। ये 25 मिलीमीटर पर सेकेंड लिखा है, आप इसको चेंज करके
50 मिलीमीटर पर सेकंड के हिसाब से भी कर सकते हैं, और ये सब चेंजेस आप यहाँ पर कर सकते हैं। पेशेंट का नाम वगैरह लिखना है तो F1 आप दबाएंगे तो पेशेंट का नाम वगैरह यहाँ पर जैसे कि टैब दबा करके एंट्री कर सकते हैं आप नाम वगैरह, और लास्ट में आप ओके कर देंगे तो ये आपको इंटर दबा देंगे तो ये ओके हो जाएगा। फिर हम इसको जो प्रिंट लेंगे वो प्रिंट भी ये जैसे ही आप इसको आप दबाएंगे प्रिंट का बटन है ये देखिए, प्रिंट और स्टाफ दोनों इस पर लिखा हुआ है, आप मेरा देख सकते हैं यहाँ पर ये प्रिंट और स्टाफ दोनों लिखा है। आप यहाँ से जैसे प्रिंट करेंगे तो ये पेपर निकलना शुरू हो जाएगा, ये 10 सेकंड का रिकॉर्डिंग लेता है, ये देखिए मैंने दबा दिया है। अब ये 10 सेकंड के रिकॉर्डिंग के बाद से ये प्रिंट निकलेगा। अभी तो मैंने पेशेंट को केबल के साथ अटैच नहीं किया है, मैं इसको केबल के साथ पेशेंट को अटैच करके दिखाऊंगा। ये देखिए आपका ग्राफ निकल रहा है, आप यहाँ से देख सकते हैं कि ग्राफ निकल रहा है, और इसमें आपको जो भी पेशेंट का जो वैल्यू आता है जो उसका रिपोर्ट आता है वो इस पर आप दिख जाता है। और इसमें एक और ऑप्शन फंक्शन दिया है, आप इसको स्क्रीन को उठा भी सकते हैं, ये जैसे देखिए स्क्रीन को उठा सकते हैं, फिर इसको नीचे भी कर सकते हैं। तो ये है आपका 12 चैनल मशीन। अब हम आपको बताएंगे कि आपको ECG कैसे करते हैं और लीड का प्लेसमेंट कैसे होता है और किस तरह से इसको ऑपरेट करते हैं, ये पूरा डिटेल हम आपको बताएंगे इसी 12 चैनल मशीन के साथ। तो हम बात करते हैं कि ECG लीड का प्लेसमेंट कैसे कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें सभी स्लीव में जेली लगा लेंगे, और जेली लगाने के बाद से जब इसमें जेली लग जाएगा उसके बाद से एक एक क्लिप इसमें हम इलेक्ट्रोड को फंसाएंगे। ये देखिए ये है ब्लैक है, ब्लैक में देखिए न्यूट्रल लिखा हुआ है, और तो न्यूट्रल को हम लोग राइट लेग में लगाएंगे। इसके बाद से हम ये रेड है, इसमें R लिखा हुआ है तो इसको राइट हैंड में लगाएंगे, R R राइट हैंड और रेड दोनों एक तरह से हो गया। जैसे कि हम लोग रक्षा सूत्र बांधते हैं इसमें भी रेड रहता है और राइट में भी रेड इसीलिए लगाते हैं। और ठीक उसके अपोजिट में हम क्या लगाएंगे, लेफ्ट लेग में ग्रीन कलर लेंगे, इसमें देखिए आपको ऑलरेडी L लिखा रहता है तो इसको हम लोग लेफ्ट लेग में लगाएंगे, और लेफ्ट आर्म में जो लगाएंगे हम वो येलो कलर का जो इलेक्ट्रोड रहेगा इसको हम लोग प्लेस करते हैं। अभी हम दिखाते हैं चेस्ट इलेक्ट्रोड कहाँ लगाएंगे। तो ये देखिए चेस्ट इलेक्ट्रोड हम लोग ये यहाँ से इस नोच से देख लेंगे कि कहाँ पर है। फोर्थ इंटरकॉस्टल से स्टार्ट करते हैं, G1 फोर्थ इंटरकॉस्टल स्टर्नम के बॉर्डर पर लगाते हैं। सेकेंड ऐसे मैं आपको बता रहा हूँ, आप इसमें देख सकते हैं, ये देखिए आपको यहाँ पर मैंने लगाया फोर्थ इंटरकॉस्टल और यहाँ पर फोर्थ इंटरकॉस्टल। ये देखिए यहाँ पर B4 मिड क्लेविकुलर लाइन है, यहाँ पर मिड क्लेविकुलर लाइन है, इसे हम लाइन खींचेंगे तो यहाँ पर फोर्थ हम लगाएंगे, ये फोर्थ मैंने लगा दिया। और इसका से मिड एक्सिलरी लाइन है यहाँ पर तो फिफ्थ इंटरकॉस्टल पर यहाँ पर मैंने लगा दिया, और इसके सेकेंड और फोर्थ के बीच में हम थर्ड प्लेस कर दिए, और फोर्थ और सिक्स के बीच में फाइव प्लेस कर दिए, ये फिफ्थ इंटरकॉस्टल पर रहेगा। इस तरह से अब हम इलेक्ट्रोड लगाना शुरू करते हैं। ये देखिए हम G1 को यहाँ पर प्लेस कर दिए फोर्थ इंटरकॉस्टल जस्ट स्टर्नम, ये स्टर्नम है स्टर्नम के बॉर्डर पे। अब हम सेकेंड देखते हैं, ये देखिए फोर्थ इंटरकॉस्टल जस्ट स्टर्नम स्टर्नम के बगल में। अब मिड क्लेविकुलर लाइन पर हम फोर्थ नंबर लगाएंगे तो ये फोर्थ नंबर हमने लगा दिया यहाँ पर मिड क्लेविकुलर लाइन पर, और ये फिफ्थ इंटरकॉस्टल स्पेस पे। और ये देखिए हमारा जो थर्ड है ये टू और ये फोर्थ के बीच में हम थर्ड को प्लेस कर दिए। अब हम लगाएंगे सिक्स इंटरकॉस्टल, सिक्स इलेक्ट्रोड लगाएंगे जो कि आपको फिफ्थ इंटरकॉस्टल पे मिड एक्सिलरी लाइन पर लगाएंगे, और ये फोर हो गया ये सिक्स हो गया इसके बीच में हम फाइव को प्लेस कर देंगे और फिफ्थ इंटरकॉस्टल इस प्लेस पर प्लेस करेंगे। ये हमारा नॉर्मल हो गया लीड का प्लेसमेंट। ये हमारा जब लेफ्ट साइड जो हर्ट रहेगा उसके लिए है। अब आप मशीन पर देख सकते हैं, जैसे कि मैंने मशीन को ऑन कर दिया, अब मशीन ऑन हो रहा है, इसके बाद से हम इसमें पेशेंट का जो भी डाटा रहेगा वो फिल करेंगे। तो ये मशीन देखिए आप मेरा अब ऑन होने वाला है, ये देखिए मशीन ऑन हो गया। अब यहाँ पेशेंट का जो भी डाटा रहेगा इसको F1 को दबा करके हम पेशेंट का डाटा पूरा फिल कर लेंगे। ये टैब बटन से आगे जाते जाएंगे, और उसके बाद से हम जब डाटा जब फिल हो जाएगा तो
इसमें हम आप चेक कर लेंगे कि 25 मिलीमीटर पर सेकेंड है कि नहीं है, 10 mm स्टैंडर्डाइजेशन है कि नहीं है, ये होना बहुत ज़रूरी है। यदि अगर पेशेंट ठीक है या पतला है उसके हिसाब से, या किसी बच्चे का ईसीजी हो रहा है तो उसके हिसाब से स्पीड को हम बढ़ाते हैं और घटाते हैं। अगर पेशेंट बहुत हेल्दी है तो उसके लिए जो स्टैंडर्डाइजेशन होता है 10 mm, उसको 20 mm कर देते हैं, या बहुत थिन पेशेंट है, ग्राफ बाहर चला जा रहा है पेपर से, तो उसको हम 5 mm करके इसको रिकॉर्ड करते हैं। तो अब ये सब डाटा मैंने फिट कर लिया है, अब मैं इसको इंटर करने के बाद से अब देखिए हम प्रिंट कर रहे हैं। जैसे मैंने प्रिंट का बटन दबा दिया है, 10 सेकंड का एनालाइज करता है, उसके आवाज़ से ग्राफ निकलता है। ये देखिए ग्राफ निकल रहा है। तो अब ये तो लेफ्ट साइड जो था वो मैंने ले लिया है, अब हम बताते हैं पेसमेकर कि कैसे अगर रहेगा तो कैसे पेसमेकर चेक करेंगे कि ठीक काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो उसमें पेसमेकर में क्या होता है, पेसमेकर बीट्स आता है जो आप ग्राफ में आप देख सकते हैं। अब हम बताते हैं कि जब भी हम एक तो नॉर्मल हम ईसीजी ग्राफ ले लेंगे, उसके बाद से सेकेंड जो ग्राफ लेंगे ये है मैग्नेट, मैग्नेट को जहाँ पेसमेकर लगा रहता है उसी के ऊपर जस्ट पुटअप करते हैं, उसके बाद से ठीक रिकॉर्डिंग, उसके बाद रिकॉर्डिंग लेते हैं। तो मान लीजिए पेसमेकर जो इम्प्लांट होता है ये कई बार राइट साइड में रहता है, ये जस्ट क्लेविकुलर के नीचे रहता है, स्किन के नीचे में डाला गया रहता है। कई बार अगर किसी कारणवश डॉक्टर को यहाँ पर प्लेस नहीं मिल पाता है तो फिर वो लेफ्ट साइड में पेसमेकर को इनपुट करते हैं। अगर ये दोनों साइड में अगर पेसमेकर को जगह नहीं मिलता है फिर वो एब्डोमेन में पेसमेकर को इनपुट कर देते हैं। तो इसके बाद से हम जैसे मान लीजिए कि इस पेशेंट को राइट साइड में यहाँ पर पेसमेकर लगा है, तो ये देखिए अब मैं रिकॉर्डिंग करने जा रहा हूँ, तो इसमें जस्ट इसके ऊपर हम रख देंगे पेसमेकर के ऊपर और उसके बाद से उसका रिकॉर्ड करेंगे। ये हो गया पेसमेकर कैसे चेक करते हैं इसमें। तो जैसे अगर पेसमेकर चेक करेंगे आपको ग्राफ में पेसमेकर बिट्स जो भी है वो दिखने लगता है। अब दोस्तों अब हम बताते हैं जिसका राइट साइड हर्ट रहेगा उसका हम ईसीजी कैसे करेंगे। तो ये राइट साइड है या लेफ्ट साइड है ये जानने के लिए आप मेरा एक वीडियो है आप उसको देखेंगे, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, आप वहाँ से जान सकेंगे कि क्या चेंजेस रहता है लेफ्ट साइड अगर हार्ट है या राइट साइड हार्ट है तो उसमें ईसीजी में कैसे चेंज आता है, वो चीज़ आप उस वीडियो में जा करके देख सकते हैं। तो चलिए हम बताते हैं कि लेफ्ट साइड राइट साइड अगर हार्ट है तो उसके लिए क्या चेंजेस करना होता है। ये जो लिम्ब लीड है जितने भी लिम्ब लीड है ये हाथ और पैर के दोनों लीड जो है वो सेम ही रहेगा, लेकिन उसमें चेस्ट का जो लीड रहेगा वो चेंज हो जाएगा। अभी देखिए ये जो V1 था वो V1 को हम लगा देंगे V2 के प्लेस पे, और V2 जो है वो इस तरफ V1 के प्लेस में जाएगा, और ये हम राइट साइड की तरफ से जेली लगा करके राइट साइड की तरफ ले लेंगे। तो अब देखिए ये हो गया आपका V3 हो गया यहाँ पर, और V4 मिड क्लेविकुलर लाइन में हो गया, और ये V5 हो गया जस्ट एंटीरियर एक्सिलरी लाइन में हो गया, और ये जो हो गया V6 हो गया और मिड एक्सिलरी लाइन में हो गया। तो ये हो गया, यही चेंजेस होता है जब राइट साइड में जब हार्ट रहता है, यानी कि जिस साइड में हार्ट रहेगा चेस्ट लीड जो लगेगा उसी साइड में लगेगा, और लेफ्ट साइड में अगर हार्ट है तो लेफ्ट साइड में चेस्ट लीड लगेगा, और राइट साइड में है तो राइट साइड में चेस्ट लीड लगेगा, यही डिफरेंसेस है। अब हम बात करते हैं अगर किसी पेशेंट का हाथ या पैर नहीं है तो उसको रिकॉर्डिंग कैसे करेंगे ईसीजी में। ये मान लीजिए पेशेंट का हाथ नहीं है तो ये क्लिप हम निकालेंगे, आप ये जो ये वाला जो है इसमें इसको फंसा देंगे, या तो आप इसको ठीक इसमें जेली लगा करके आप जहाँ पर TMT करते समय या आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर इसको प्लेस कर देंगे, फिर आप राइट साइड का निकालेंगे इसमें या इलेक्ट्रोपोर से या लिकोप्लास्ट से इसमें जेली लगा करके यहाँ पर पेस्ट कर देंगे, या इलेक्ट्रोड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेग में लगाया हुआ था तो इसको निकाला है और यहाँ पर मैं जेली लगा करके यहाँ पर लिकोप्लास्ट से यहाँ पर पेस्ट कर देंगे, इसके थ्रू भी ले सकते हैं, और यदि आपके पास ये इस इलेक्ट्रोड है उसके थ्रू भी हम यहाँ पर लगा सकते हैं, और दूसरा जो है आपका राइट लेग में जो लगा था आप यहाँ पर भी जेली लगा के या लिकोप्लास्ट या इलेक्ट्रोड को चिपका करके यहाँ पर प्लेस करके आप ईसीजी ग्राफ ले सकते हैं। तो ये जब हाथ पैर नहीं रहेगा तब इस तरह से ईसीजी लेते हैं, अन्यथा लेने की जरूरत नहीं है, आप नॉर्मली हाथ पैर में ईसीजी लगा करके लेंगे। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा, यदि अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, यदि मेरे चैनल पर नए हैं तो इसको लाइक करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा।